शुक्रिया होगा कि हमारे आदरणीय भाई नारायण सिंह त्यागी का बिल CGM को आपको कुछ बातें बताना आवश्यक है। इसलिए हमने अभी दो कमेटी लड़ाई है जो बहुत लंबी चलने वाली है और हमारे दो महात्मा की महात्मा का जो शब्द है उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि उनका संकल्प है कि जब तक जिन दिन नारायण सिंह त्यागी जी जेल से रिहा होकर के हम लोगों के बीच नहीं आएंगे तब तक हम ऐसे ही अनशन करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे, क्योंकि पूरी कोर कमेटी उनके पीछे खड़ी है। उनके निर्णय के साथ पूरा धर्म संसद की कोर कमेटी उनके पीछे खड़ी है। इसलिए आज कोर कमेटी ने निर्णय किया है कि अभी हमारे दूसरे जिनकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, खराब हो गई है, तीन दिन से जल त्याग किया है उन लोगों ने, तो आग्रह अभी हम लोग करेंगे कोर कमेटी के लोग कि कम से कम आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन जब बचेगा तभी हम लड़ पाएंगे लंबा। हमारा आग्रह होगा कि कम से कम आज रसाहार शुरू करें, जल ग्रहण करना शुरू करें हो। मुझे उम्मीद है कि कोर कमेटी की बात वो दोनों संत, हमारे जो पूज्य संत हैं, वो स्वीकार करेंगे। हमारे पूज्य स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग पूरी कोर कमेटी के लोग बैठे हैं। लेकिन आज जो घटना हुई है वह सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 7 वर्ष से कम मामले में यद्यपि वो नॉन बिलेबल हो आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, फिर भी एक मुस्लिम से हिंदू बने व्यक्ति को गिरफ्तार करके मुसलमानों को जो खुश करने का संदेश पुलिस ने दिया, फिर जुडिशरी अब किस दबाव में है जिसमें कि तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत बेल हो जानी चाहिए, बेल नहीं हुई कोई बात नहीं, ये न्याय का कोर्स है, उसको हम पूरा करेंगे। हमारे विद्वान अधिवक्तागण न्यायालयों में खड़े हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। परसों फिर हम लोग सोमवार को बेल सेशन कोर्ट में मूव करेंगे और वहाँ हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, जब तक भारत जिहाद से मुक्त नहीं हो जाता। और जब भारत जिहाद से मुक्त हो जाएगा तब भी लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि पूरी दुनिया को जिहाद से मुक्त कराना है। हो सकता है इसे पीढ़ियाँ खपाना पड़े, बलिदान देना पड़े, हम सब बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आज मैं उन संत वृंद दोनों से ये आग्रह करूँगा महाराज श्री कि उनको कम से कम रसाहार का आग्रह करें कि आप यहाँ पे अनशन पे बैठे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपके संकल्प के साथ हैं, आपके निर्णय के साथ हैं, लेकिन हमारा आग्रह होगा कि कम से कम रसाहार या नींबू पानी शहद लेकर के अपने इस जो संकल्प है, जो सत्याग्रह है, उसको जारी रखें। देखो ये रणनीति नहीं है, ये तो लड़ाई है। हम लोग सो रहे थे और हमारा देश, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म लूटा जा रहा था, अब उसको बचाने की लड़ाई है। तो एक दिन में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमने बहुत बड़े समूह से लड़ाई मोल लिया है। आज तक लड़ाई यदि नरसिंहारायण जी महाराज लड़ रहे थे, हम सब उनकी लड़ाई के साथ हैं। अभी आज वो अनशन पे हैं, उपवास पे हैं, चूँकि उनके ही आग्रह पे, उनके ही कहने पे, उनके ही विश्वास पे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म स्वीकार किया था, तो उन्होंने जिस प्रकार से भातृधर्म का निभाया है उसको, उसका तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, पूरा समाज कर रहा है। हम सब भी उनके इस निर्णय में उनके साथ हैं, कोर कमेटी पूरी निर्णय के साथ है। कल हमारी प्रतिकार सभा है यहाँ पे, तो हमारा यज्ञ चल रहा है, आज दूसरा दिन है उसका, कल यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और संत वृंद यहाँ आएंगे, आपस में संवाद करेंगे और प्रतिकार ही हमारा लक्ष्य है। हमने उस हेट, जिसको हेट स्पीच कह रहे हैं, उसमें भी हमने आत्मरक्षा की बात की, लोगों को जगाने की बात की, जागृत रहने की बात की। आत्मरक्षा का कानून संविधान भी देता है, हमारा शास्त्र भी देता है, न हमने कोई अशास्त्रीय काम किया है, न कोई असंवैधानिक काम किया है। देखो अब क्या है कि पूजा पाठ, प्रतिकार, इन सब चीजों के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
हम चूंकि लॉ को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जो उन्होंने मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया है उस निर्देशों को पालन करते हुए, कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग पूरी तरह से, अब धरना के लिए भी कहीं अनुमति ली जाती है क्या, प्रदर्शन के लिए भी कहीं अनुमति ली जाती है क्या, मैंने तो नहीं सुना प्रदर्शन की अनुमति लगी है। यहाँ उनका वो क्या है, यहाँ धारा 144 नहीं लगी है और उन्होंने जो कोरोना की गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हमारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ही हम लोग लोगों से आपस में मिल रहे हैं, इनकी आदि कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्र न्यायालय में अगर रिजेक्ट होती है तो उसके बाद क्या, ये अगर जहां तक होगी न्यायालय वहां तक लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, ये तो लड़ाई है। और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी कोई भागने वाले व्यक्ति नहीं है, उन्होंने तो आकर के अपनी गिरफ्तारी दी है, जब उनको पता चला कि पुलिस खोज रही है उन्होंने कहा पुलिस के बीच सामने जाते हैं, हम तो लाखों मानने वाले लोग नहीं होते तो नहीं आते थे उत्तराखंड। भारतीय पुलिस का देखा है कि हमने गिरफ्तार किया है जबकि पता चल रहा है कि उधर से गिरफ्तारी खरीद देने के लिए आ रहे थे। आपको पता होगा गिरफ्तारी का क्या मतलब है, वो खुद आ रहे थे और वो 22 देनी है उनको, बाकायदे उनका कार्यक्रम जाता है एक एक थाने को, उनके अपनी सिक्योरिटी है थाने को जाता है, सूचना जाती है और उनकी सूचना थी आने की, सबने कहा था ठीक है ना, और कोई इतने ही अगर पहलवान थे पकड़ने गए थे तो लखनऊ क्यों नहीं गए। देखिए उन्होंने लड़ाई 67 देशों के खिलाफ लड़ी है ना, 67 देश जो इस्लामिक है सब उनके खिलाफ लगे हैं, उनका गला काटने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया है। तो ऐसी ही नहीं हो, वो सोच करके और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अंदर स्वस्थ है, हम लोगों को संदेश उन्होंने दिया है कि मैं आप इस ये लड़ाई बहुत लंबी है और मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। देखिए ये तो आवाज ही दबाने का नहीं, ये तो हिंदुत्व को दबाने का जो षड्यंत्र चल रहा था उसको हमने उजागर करने का काम किया। आज दिख गया कि किस प्रकार से 3 वर्ष की धाराओं में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, एक न्यायालय से उसको बेल रिजेक्ट हुआ, दूसरे न्यायालय से बेल रिजेक्ट हुआ, अब तीसरे न्यायालय में पूछेंगे देखेंगे न्याय जब तक नहीं मिलेगा। सरकार है भाजपा की, भाजपा हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है, इसके बावजूद अगर ऐसी स्थितियों में अड़ना पड़ रहा है तो किसी मतलब क्या क्या कहना चाहेंगे। देखो क्या है कि कोई हिंदुत्व के साथ नहीं खड़ी है भाजपा, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, भाजपा ने तो एफआईआर कराई है, सब हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हैं, ये सब हिंदुत्व के लोगों को समझना होगा। आग्रह कर लीजिए पहले उनसे।